ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है और सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आखिरी सोमवार है और श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की है। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटी है। तो देखिए, आज से सावन भी खत्म हो रहा है और आज ही का दिन जो है वो सोमवार का दिन भी है। तो आज भक्तों की काफी भीड़ जो है मंदिरों में देखी जा रही है। सुबह सवेरे से ही भक्त जो है पूरी श्रद्धा के साथ मंदिरों में अपनी लाइनों में खड़े होकर सेवा भाव से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और जैसे ही उनका नंबर आए वो शिव भगवान के सामने अपनी मनोकामनाएं रखें, क्योंकि आज के दिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है। आज पूर्णिमा का दिन भी है, आज रक्षाबंधन भी है, आज सावन भी खत्म हो जाएगा और सावन का जो आखिरी सोमवार भी है। तो कई संयोग जो हैं आज एक साथ बन रहे हैं, काफ़ी शुभ दिन आज का माना गया है। हालांकि दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा ज़रूर लागू है, लेकिन पूर्णिमा भी आज है। तो ऐसे में तमाम मंदिरों में जो है आज भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है और पूजा अर्चना लगातार सुबह से ही जारी है। मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्तों की भीड़ मंदिरों के बाहर लग चुकी थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आज देश भर के तमाम मंदिरों में भक्त जो है पूरी श्रद्धा के साथ पहुंचे हुए। चार तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए चार तस्वीरें। प्रयागराज से पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिवालयों में भक्तजन जो है पहुँच रहे हैं, शिव भगवान पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और दूध पानी से जलाभिषेक उनका किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, श्री काशी विश्वनाथ की ये तस्वीर है वाराणसी से, और सीधा आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से घर बैठे दर्शन कर सकते हैं देश भर के इन विख्यात मंदिरों के। और उसके बाद तीसरी तस्वीर आपके सामने है श्री महाकालेश्वर मंदिर की, जो कि उज्जैन में है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह सवेरे महाकालेश्वर मंदिर में जिस तरीके से आरती की जाती है, जिस तरीके से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, वो खासी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तस्वीर आप देखिए, अद्भुत ये तस्वीरें हैं। शिवलिंग का श्रृंगार यहाँ पर किया जा रहा है और घर बैठे आप इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शन सुबह सवेरे कर सकते हैं इन अद्भुत तस्वीरों की, शिवलिंग की। और सुबह से ही लगातार भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ है गाजियाबाद से, और गाजियाबाद का रुख करेंगे गाजियाबाद के मंदिरों में। अनिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज सावन का आखिरी सोमवार है, सावन भी आज के बाद से खत्म हो जाएगा, रक्षाबंधन का दिन भी है, पूर्णिमा का दिन भी है आज, तो कई सारे संयोग एक साथ बन रहे हैं। तो ऐसे में भक्तों की खासी भीड़ आज मंदिरों में नजर आ रही है। देखिए, वाकई आपने सही कहा और ये आज का दिन जो बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि सावन में इस बार 5 सोमवार पड़े और ये आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है और काफी भीड़ जो है शिवालयों में देखी जा रही है। तस्वीरें हम दुधेश्वर नाथ मंदिर से सीधी लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है, काफी तादाद में जो भक्त है, जो भक्त पहुंच रहे हैं शिवालयों के अंदर, लगातार जो भीड़ बढ़ती जा रही है। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर से हम दिखा रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। क्या नाम है भैया? कब से आ रहे हैं आप यहाँ और आज का दिन बहुत खास माना जा रहा है, क्या क्या लेकर आए बाबा के लिए, क्या क्या मान्यताएं भी बोल रहे हैं, क्या मांगेंगे आज? बिना मांगे मिलता है, क्योंकि वैसे कहा जाता है भोले बाबा बहुत सीधे हैं, आराम से मान जाते हैं। देख लिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो बात है वो ये बात कह रहे हैं भोले बाबा, सिर्फ एक लोटा जल में ही मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ, ये मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है, दुधेश्वर नाथ मंदिर, और यहाँ खुद जो है रावण और रावण के पिता पूजा अर्चना करने के लिए आते थे, इसीलिए इस मंदिर की मान्यताएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और लगातार शिवालयों में जिस तरीके से भीड़ और इस मंदिर में लगातार जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से चलते हैं आगे की तरफ, और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पर लाइन ही लाइन दिखाई देगी। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें गाजियाबाद से है और ये लाइन यहीं पे नहीं है, और मंदिर के बाहर से आगे तक भी आप जाएंगे
तो लाइन काफी लंबी लगी हुई है। जो भक्त है वो अपने मंदिर में और अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं, कैसे भी बाबा के दर्शन हमें हो जाए। तो आप समझ सकते हैं जो भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में ही नहीं, आसपास के जितने भी शिवालय हैं वहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और जैसे कि मैंने बताया, दुधेश्वर नाथ मंदिर में यहीं के लोग नहीं, आसपास के जिलों से, कई इलाकों से भी लोग जो है यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी गूंज वहां पर मंदिर में भोले बाबा की जयकारों की सुनाई दे रही है, लंबी कतार वहां पर लगी हुई है। भक्तजनों से जरा बात कीजिएगा और पूछिएगा कि कितने बजे से वो यहां पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं हैं। आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार है तो भाई बहन भी वहां पर आए होंगे सुबह सवेरे पूजा अर्चना करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा।